सराकी जबान में वो शुरू हुआ सुर के साथ कि उसने एक जगह कोई मैच हो रहा था, हॉकी का मैच हो रहा था या फुटबॉल का, और कमेंटेटर नहीं आया, नहीं पहुंचा। स्टेडियम भरा हुआ था, कमेंट्री करने वाला बंदा लेट हो गया, और उन्होंने कहा भाई कोई इधर है ऐसा आदमी जो स्टेज पे बोलने की महारत रखता हो, कंपेयरिंग जानता हो, कमेंट्री करे, जब तक असल कमेंटर नहीं आ जाता। कहा यहाँ तो कोई और नहीं है, सारे शर्मीले लोग हैं। एक बंदा वहाँ बैठा हुआ था, वो कभी कभार स्टेज पे आके तकरीर मजलिस वगैरह पढ़ता था। उन्होंने कहा ये है, ये कर लेगा, ये चूँकि इसका झिझक नहीं है, बोल लेता है। उन्होंने कहा ठीक है, जब तक कमेंटेटर नहीं आता आप कमेंट्री करो। उसने ज़ाहिर अपने अंदाज से जिस तरह कमेंट्री उसने शुरू की, सराकी जबान में वो शुरू हुआ सुर के साथ कि उसने कहा एक जालिम है वो अंधा पे, वो दूसरा जालिम सामने उसके आ गया है। अब मुझे चूंकि सही सराकी नहीं आती वरना मैं आपको सुनाता। कहा जिस तरह से वो एक आ रहा है दूसरा सामने आ रहा है, अभी दो जालिम आपस में टकरा गए हैं, एक जालिम ने दूसरे जालिम को गिरा दिया है, और वो रेफरी ने सीटी बजाई, उसने कहा कि एक और जालिम वो हकल बजा के कह रहा है कि रुक जा कि रुक जा रुक जा तू। हो ये मनहज मजलिस का है, कमेंट्री का, हर चीज़ की एक अपनी ज़बान है, तालीम की अपनी ज़बान है।